सीडीओ संजय कुमार मीना ने विकास भवन सभागार में 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को जो भी कार्य दिए गए हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम के साथ साथ सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य सदाकांत ने कहा कि रोजगार मेले में लगभग 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए लगभग 40 कंपनी के आने की संभावना है, जिसमें ITI, कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक सहित अन्य क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं छात्र छात्राओं को रोजगार मेले में प्रतिभाग कराया जाना है। इस अवसर पर DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्टॉल्स हर डिपार्टमेंट की रहेगी, मतलब मेन रहे जो डिपार्टमेंट है जैसे NRLS की। एक ये दिव्यांग ट्राईसाइकिल कुछ है बच्चे की डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है इस बार NSM KVIC सब कुछ स्टॉल बता रहा है। ये जैसे जो मैं वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जगह जगह पे 800 रुपये में बन जाएंगे बड़े 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 बच्चे मोबाइल वहाँ पे बोर्ड लगे रहेंगे कि ये इस पार्किंग के लिए, ये इस पर्टिकुलर पार्किंग के लिए, और फिर ट्रैफिक कहाँ से एक बार CM कराया जाएंगे, उसके बाद अगर कोई व्हीकल आएगा तो अल्टरनेट रूट देखना पड़ेगा कि उस रूट से ना है और रूट से तो पार्किंग स्थल कहाँ पे। मीटिंग के बाद आप एक बार चल के ये लोग भी जाएंगे, हम लोग भी चलेंगे, देख लेंगे।